नमस्कार, इस समय मौजूद है सुभाष नगर में बरेली के, और आज रामनवमी के पावन पर्व पर सुभाष नगर बाबा तपेजना मंदिर, बाबा नाथ नगरी जो कहलाती है तपेजना मंदिर से एक विशाल राजगदी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि तपेजना मंदिर से निकल के बाजार होते हुए खालसा स्कूल के लिए में अभी पहुंची है। और यहाँ पे रामला कमेटी के लोग भी यहाँ पे खड़े, आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे आज रामनवमी की शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस पर्व पर निकाली जा रही है? आज सुभाष नगर में प्रत्येक वर्ष की भांति राम जन्मोत्सव पर आज ये शोभा यात्रा मंदिर तपेशनाथ से निकाली गई है। इसमें सुभाष नगर के सभी नागरिक, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग बड़ी जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भगवान राम के जन्मोत्सव पर खुशी मना रहे हैं। ये हर वर्ष यहाँ पर निकाली जाती है। इसके संयोजक रवि अग्रवाल जी हैं और श्री रामलीला सभा सुभाष नगर का पूर्ण सहयोग इसमें रहता है, जो आप स्वरूप देख रहे हैं। इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग इसमें रहता है। इस समय तड़का पर सुभाष नगर में जो तड़का है उस पर ये आ गई है और इसके बाद ये 84 घंटा मंदिर पहुंचेगी, वहां से लौटकर फिर मंदिर तपेशनाथ पर ही समापन होगा। शोभा यात्रा आ चुकी है, अभी बात करते हैं। बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है कि 500 साल बाद हम ऐसे भव्य और दिव्य रूप में इस राम जन्म की शोभा यात्रा को, रामनवमी को पर्व को मना रहा है। हर वर्ष की बात, इस बार भी निकल रही शोभा यात्रा, परंतु अलौकिक दिव्य ऐसा जन सैलाब सुभाष नगर में शोभा यात्रा में शामिल हो जाए, इसकी कल्पना, इसका व्याख्यान हम नहीं कर सकते। जय श्री राम। भगवान राम का अवतरण हो चुका है, अयोध्या में मंदिर स्थापित होता है, स्थापना हो चुकी है, और इस अवसर पर समस्त भारतवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? ये तपेश्वरनाथ मंदिर से निकाली जा रही है, काफी वर्षों से यह है और सुभाष नगर में हम बसते हैं, 84 झंडे में इसे समापन होता है और सबसे बड़ी स्मृति है रामनवमी के अवसर पर पूरे सुभाष नगर के लोगों में हाथ लगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बोले हाँ बधाई। मैं उपेंद्र यादव, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, देश में भगवा फहराएंगे। और शोभा यात्रा हमारी तपेजना मंदिर से चली है और मंदिर से जाके बाजार में होते हुए दुर्गा मंदिर में समाप्ति होगी। भारी स्वागत हो रहा है,
हर जगह पे भारत से ये हम स्वागत समारोह में हमने खीर का प्रसाद वितरण किया है, जगह जगह प्रसाद वितरण हो रहा है, बड़ा हर्ष उल्लास है सब लोगों में। मेरा नाम है उपेंद्र यादव और सब लोग जो है पूरा सुभाष नगर राममय हो गया है इसमें। मैं मंजीत सिंह नागपाल प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सुभाष नगर से आज सभी को पूरे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी का जुलूस तपेश्वरनाथ मंदिर से होकर के 84 घंटे मंदिर तक जा रहा है, उसके स्वागत के लिए हम लोगों ने फूलों की व्यवस्था प्रसाद की व्यवस्था सबकी तरफ से हुई है और यही स्वागत हो रहा है और बहुत ही बढ़िया शोभा यात्रा के कार्यक्रम में सब लोग हमें एकजुट होकर रामनवमी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हम उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आज बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत ही प्यारा पर्व है रामनवमी का। नवरात्रों के बाद ये जो पर्व आता है इसमें हर्षोल्लास के साथ हम ये त्यौहार मना रहे हैं, हर धर्म के आदमी मिलजुल के मना रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि हमारा एरिया, हमारा बरेली और सुभाष नगर पूरा राम राज की तरह ऐसे लगता है कि हम अयोध्या में बैठे हैं। मतलब जी सिख समाज पे हमारे प्रधान जी श्री नागपाल जी, मंजीत सिंह नागपाल जी हमारे साथ हैं, हमारे संगीत प्रेमी गालो मुस्करालो और कहते हैं यारों की महफिल के हमारे साथ हैं, सब साथ में जुड़े हुए हैं, सब पंजाबी समाज, सिख समाज और अन्य समाज के लोग हर्षोल्लास से मिलजुल के मना रहे हैं और दिल में इतना प्यार है, इतना खुशी हर्षोल्लास है और सब कहते हैं जय श्री राम।